नमस्कार, मैं हूं आसिफ रहमान और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दे मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया केवल चार नेताओं पर फोकस है, कोई बड़े इश्यू नहीं है मीडिया के पास। आप देखिए, दो दिन से जो चल रहा है मीडिया में, अमित शाह, मोदी, नरेंद्र मोदी कहाँ पर रैली, अभी तीन दिन लगातार नरेंद्र मोदी का रैली है, और वाड्रा को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर, बस इन्हीं चारों में मीडिया का कवर है, कैमरा है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ गोदी मीडिया पहुँच जाती है और कोई दूसरा इश्यू नहीं। अभी आप हाल ही में देखिए, जो छात्र भरी संख्या में मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर या फिर बेरोजगारी को लेकर। आप सोचिए, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। आप 5 साल हो गए हैं और पूरे होने वाले 2 साल है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और आप रैलियां कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप रैलियां कर रहे हैं, और अब जूनेबाजी, जनता को पता चल चुका है कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। वो एक तरीके से नपुंसक कह लीजिए वो सरकार है, क्या वादे करते हैं और वादे पे कायम नहीं रहते हैं। जिस तरीके से अभी जो आप देखिए, जो छात्र बेरोजगारी का आंकड़े है, आप आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं। और मोदी सरकार के खिलाफ जो बड़ा प्रदर्शन अभी हुआ है, उसमें जो छात्र है, 4 साल पढ़ाई करने के बाद अपने परिवार से दूर, आप इस चीज़ को सोचिए, अपने परिवार से दूर, एक तो बिहार की बात करें या किसी भी सूबे या शहर की बात करें, वहाँ से लोग आते हैं दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए, अलग अलग कॉलेज के लोग वहाँ पढ़ते हैं, और उनका एक ही मांग है सरकार से कि बेरोजगारी जो आप क्या कर, बेरोजगारी दूर हो। अभी हाल ही की खबर एक आई थी कि मतलब रोजगार को बेरोजगार जो है उन्हें 4,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिस्टम की बात यह है कि आप बेरोजगारी को 4,000 रुपये दे रहे हैं। अच्छी बात है, आपकी जो नीति है वो अच्छी है, लेकिन आप बेरोजगारी के लिए कुछ सोचिए, जॉब के लिए। तो वो प्रदर्शन हो रहा है, एक तरीके से आप एक्सपोज हो रहे हैं, मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, नाकाम साबित हो रहा है। अभी बड़े खबरें, ब्रिटिश का एक अखबार की तरफ से ये बयान आया है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो एक नाकाम है हर चीज़ में, हर फैसले में, चाहे डोमिनाइजेशन, पैसों का भस्मीकरण ले लो, या फिर EVM को लेकर, ऐसे कितने मुद्दे हैं, ऐसे कितने फैसले हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जो प्रधान सेवक है वो नाकाम साबित रहे हैं। अब बात करेंगे आज के मुद्दे को लेकर, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा। आज भी दूसरे देश भारत में पांव पसारे बैठी हुई है, बढ़ते हुए अपराध, मॉब लिंचिंग, तमाम घटनाएं सांप्रदायिकता, धार्मिक अल्पसंख्यकों और बहुजनों एवं आदिवासियों पर लगातार बढ़ रहे हमले और शोषण हो रहा है, उसी के कारण कानून का राज स्थापित होने में अब तक असफल रहा है। लेकिन फिर भी हम एक ही बात कहेंगे कि बाकी सब कुछ ठीक है, चुनाव आने वाला है। आप TV खोलिए तो TV पर आप एक ही चीज़ देखिएगा, चाहे वो मोदी को या फिर 4 शकल आपको दिखाई देंगे। मीडिया, कुछ मीडिया है, लेकिन कुछ मीडिया जो गोदी मीडिया है वो आपको सिर्फ मोदी को दिखाएंगे, कहाँ आने वाले समय में बात यह है। पर अभी बात करेंगे कि आप देखिए, मोदी का जो एजेंडा है लोकसभा चुनाव से पहले, एक प्रोपेगेंडा की तरीके से आप किसी के पीछे इस तरीके से लग जाते हैं, और कुल मिलाकर अगर एक शब्द में कहे तो मदारी के पास सांप है और सपेरे के पास बंदर। आप इस चीज़ को समझिए, आप खनन घोटाले में CBI को हाथ का कठपुतली बना लेते हैं और मोहरा की तरह उसे चारों तरफ से हथकंडा अपनाते हैं ताकि आप जनता के सामने लुभाने की कोशिश करें, और दोबारा से जो सपना आप देख रहे हैं, दोबारा से जो नरेंद्र मोदी सपना देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जीत कर दोबारा से सत्ता में आए, और एक तरीके से अभी जो चुनावी जो देखने को मिल रहा है, जो चारों तरफ आप बाहर आइए, आप मीडिया से बाहर आइए तो आपको शांति मिलेगी। अगर आप वही मीडिया TV दोबारा से न्यूज़ देखिएगा तो आपको लगेगा कि मतलब ऐसा कुछ हड़कंप सा मच गया है TV पर, ठीक है। तो आप देखिए कि खनन घोटाले में कभी आप अखिलेश यादव पे CBI का दबिश दे देते हैं, CBI पूछताछ में आ जाती है और फिर वहाँ पर नहीं होता, एक दबदबा लगाने की कोशिश, और यही कोशिश की जा रही थी केजरीवाल को लेकर, दबदबा बनाने की कोशिश। और अभी हाल ही की बात है तो 40 अफसर CBI के कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के पास पहुंच जाती है और गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता है राजीव कुमार को लेकर। पर ये अगर देखा जाए तो आपके मंत्री
मुकुल रॉय और मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही कोई जवाबदेही तय की जा रही है। आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं, है? तो कुल मिलाकर सवाल उठता है। और दूसरी तरफ आपके ही विधायक, अगर मतलब एक तरीके से आप ये देखा जाए कि आपके बीजेपी के जो मंत्री है वो अगर धड़ल्ले से गुंडागर्दी करे, बलात्कारी है, अभी हाल ही में एक न्यूज़ खबर हेडलाइन बन रही थी, कुलदीप सिंगर जिस पे एक आरोप लगाया गया था बलात्कारी का, आज तक वो बर्खास्त नहीं हुआ है और अभी भी धड़ल्ले से घूम रहे हैं और बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ आप इस चीज़ को देखिए, अभी मायावती को एक तरीके से पूरा इस एजेंडा में लाया जा रहा है, मूर्ति को लेकर जो उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो पार्क बनाया है उसको लेकर अभी कल कार्रवाई की गई थी। अब इसको लेकर एक तरह का गेम चेंजर कह लीजिए, मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए मोदी का, कि एक तरीके से जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है कि सब पार्टी में घोटाला हो रहा है, हम ही अच्छे हैं तो हमें वोट दीजिए। तो इस तरीके की जो राजनीति है वो अपनाई जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए अरुण जेटली या फिर अमित शाह लगातार विपक्षियों को हमला कस रहे हैं और तंज कस रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रहा, किसी और इश्यू पर कोई बात नहीं हो रहा, गरीब भूखमरी, जातिवाद और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर मोदी 5 साल में, आप सोचिए 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। वाकई में अगर फैक्ट की बात करें तो 5 सालों में आप सो रहे होते हैं और अचानक जब 2 महीना होता है उसके बाद आप जागते हैं, तो आप चुनावी रैली करते हैं और आप वादे करते हैं कि हम आपके राजा हैं, लेकिन चुनावी आने के बाद चाहे सत्ता किसी की भी आए, आने वाला वक्त बताएगा कि सत्ता किसकी आती है और कौन फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन जनता जान चुकी है कि चौकीदारी चोर है, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इस चीज़ को समझिए, कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं हो रहा है। एक तरीके से आप 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर देख लें, एडहॉक टीचर्स को ख़त्म कर दिया जा रहा है पूरी तरीके से, तो एक तरीके से जो प्रोपेगेंडा है ये समझ में आ चुका है, जनता जनार्दन समझ चुकी है। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार में 4 घोटाले में आप इस मापदंड को देखिएगा कि किस तरीके से राजनीति में, अगर आप बीजेपी के नेता है या बीजेपी में शामिल है तो आपने कुछ भी गुनाह या फिर कुछ आरोप आप में लगे हैं, घोटाले के आरोप लगे हैं, शारदा चिट फंड घोटाले में मुकुल रॉय पे आरोप थे मगर मुकुल रॉय बचे हुए हैं। उसी तरीके से डॉक्टर जिगनाथ मिश्रा जो 4 घोटाले में 5 साल का केस हुआ था मगर आज वो जमानत पे है, वही लालू यादव जेल के अंदर, तो आप इस चीज़ को समझिए। वही अब मायावती को लेकर डराने की कोशिश की जा रही है कि जो वो मूर्ति है उनके पैसे कोर्ट की तरफ से पैसे वापस लिए जाएंगे, तो इस तरीके की जो गंदी और तुच्छ राजनीति हो रही है वो जनता को समझ में आ चुका है। बाकी अब देखना और दिलचस्प होगा कि और लोकसभा चुनाव से पहले और कितने ऐसे खबरें सामने आती है जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, गोदी मीडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आसाम की बात करें तो आसाम में आज नरेंद्र मोदी का रैली होने वाला था, लेकिन वही राफेल घोटालों को लेकर राहुल गांधी ने सीधा निशाना नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को दिया गया था। इसी सिलसिले में अभी बात सुर्खियों पर है कि बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया और एक शर्मनाक कर देने वाली बयान, कुछ राजनीति आप देखिए बीजेपी के नेता ही कर सकते हैं और उनसे हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि उनके पिता चोर है, बग्गा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश में मच गया शोर है, राहुल का बाप चोर है। अब देखिए इस तरीके से जो मुझे बोलने में शर्म आ रही है, इस तरीके से दिया जा रहा है, बयानबाजी की जा रही है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है और ये बीजेपी के नेता ही इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। तो चुनावी से पहले और भी ऐसे कितने मूर्खता की पहचान आपको देखने को मिलेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा, आगामी लोकसभा चुनाव में 2 महीने बचे हैं और इस तरीके के तुच्छ राजनीति जो जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है और करने की कोशिश, बीजेपी के एजेंडा एक तरीके से तैयार किया गया है, तो और कितने ऐसे बयानबाजी देखने को मिलेंगे, चुनावी जुमले देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कल फिर किसी और मुद्दे पर हमारी मुलाकात होगी। आप अपने राय कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजिए और इस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नमस्कार।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।